नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी यूरोप में हूँ, रोमानिया में, और यहाँ पे मैं जॉब करने के लिए आया हुआ हूँ। तो मैं जो है काफ़ी वीडियो इस पर जो है ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने YouTube चैनल पे। आप लोग मेरे YouTube चैनल या Facebook पेज पे देख रहे होंगे तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारा वीडियो मैंने जो है डाल के रखा हुआ है। तो काफ़ी सारे भाई मुझसे जो है पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या क्या जॉब होता है, किस किस टाइप का जॉब होता है। तो मैं ऑलरेडी सारा कुछ जो डाला हुआ हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है बूम लिफ्ट ऑपरेटर के बारे में जो है बताऊँगा। बूम लिफ्ट ऑपरेटर जो कि आप वीडियो में देख सकते हो कुछ इस तरह से होता है बूम लिफ्ट ऑपरेटर। और इससे पहले मैं कुवैत में था दोस्तों, तो कुवैत में भी बूम लिफ्ट ऑपरेटर जो है साथ में मैं जो है जॉब करता था, और वहाँ पर जो है काफ़ी हाइट पर काम करना पड़ता था। तो ये जो बूम लिफ्ट ऑपरेटर जो है होते हैं दोस्तों, इनका सैलरी जो है यहाँ पर मान के चलो कि 1000 से लेके 2000 डॉलर तक मतलब है। तो ये डिपेंड करता है कि रिटर्नर बंदा है या फ्रेशर बंदा है। इंडिया में भी इस तरह का बूम लिफ्ट ऑपरेटर का जो है जॉब निकलता है, और यूरोप के लिए भी निकलता है, लेकिन यूरोप में काफ़ी ज़्यादा जो है इसका स्कोप है। और जहाँ जहाँ भी मान के चलो कि ये जो है निकलता है बूम लिफ्ट ऑपरेटर का वैकेंसी, उसका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में सारा कुछ जो है सवाल पूछा जाता है। आप लोग अगर जैसे ये होता है कि इसमें लाइसेंस भी बनता है, बूम लिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस भी बनता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास वैसा कोई बंदा मिला नहीं है। मैं ये जो बूम लिफ्ट ऑपरेटर है ये बंदा जो है चला रहा था, मैं चलाने वाला भी मतलब दिखा दिया हूँ, लेकिन मेन क्या है कि लैंग्वेज जो है दोस्तों मालूम नहीं पड़ता है कि लैंग्वेज ये किस लैंग्वेज, जैसे यहाँ का लोकल लैंग्वेज है और इंग्लिश ये लोग समझते नहीं, तो इस वजह से जो है मालूम नहीं पड़ पाता है। तो बूम लिफ्ट ऑपरेटर की जो है सैलरी दोस्तों, मतलब यूरोप में किसी भी फील्ड में आप आते हो दोस्तों, बहुत सारे भाई ये कमेंट करते हैं कि यार यूरोप में कितना सैलरी मिलता है, तो मैं ये काम करता हूँ तो कितना सैलरी मिलेगा। तो देखो, सैलरी का डिपेंड जो है करता है आपके काम के ऊपर, आप किस टाइप का काम करते हो। आप जैसा काम करोगे हर टाइप का काम यहाँ पे है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा थोड़ा जो है चेंज है जॉब प्रोफाइल, थोड़ा थोड़ा चेंज है नाम के वजह से, नाम कुछ कुछ जो है चेंज रहता है यहाँ पे। तो अगर मान के चलो आप जो भी काम करते हो उसका वैकेंसी आप देखो, और वैकेंसी वैसे निकलेगा या मुझे मालूम पड़ेगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा या फेसबुक पेज पर भी डाल दूंगा। तो जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं या फेसबुक पेज पे नए हैं, वो मेरे चैनल को या फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो यहाँ से डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और आप आसानी से वो वीडियो जो है देख सकते हैं। तो बूम लिफ्ट ऑपरेटर का जो है यहाँ पे सैलरी वही है, और काम वगैरह जो भी है इसका काम यही होता है कि जो हाइट पे काफ़ी ऊंचा ऊंचा, मैं कुवैत में था तो वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा था, तो एयरपोर्ट मतलब कि एयरपोर्ट का जो ऊपर का पोर्शन है उसमें जो है मतलब कि बिल्डिंग वेल्डिंग करते थे, तो उसमें बैठा के जो है वेल्डिंग मारा जाता था। तो इस तरह से मतलब वहाँ पे काम होता था। बूम लिफ्ट ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा मतलब कि कुवैत में भी सैलरी था। जो पाजी मेरे साथ में काम करते थे उनका जो है 400 दिनार सैलरी था। सोच लो 400 दिनार, इस समय एक दिनार का 270 रुपया चल रहा है, तो 400 दिनार उनका सैलरी था। तो जाहिर सी बात है जब कुवैत में इतना ज़्यादा सैलरी है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो काफ़ी सारे भाई जो है मुझे पूछ भी रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि भाई मैं बूम लिफ्ट ऑपरेटर हूँ तो इसका जॉब बताओ। तो देखो, जॉब जो है आपको मिल जाएगा, और ये जो बूम लिफ्ट ऑपरेटर, बूम लिफ्ट जो मैंने दिखाया ये छोटा वाला है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े भी बूम लिफ्ट आते हैं जिनमें 3-4 जो है पोर्शन जो है बाहर निकलते हैं। इसमें जो ये मैं दिखा रहा हूँ इसमें तो खैर 2 ही जो है निकले हुए हैं, लेकिन जो मतलब बड़े वाले होते हैं वो काफ़ी हाइट मतलब 30-30 मीटर, 50-50 मीटर ऊपर जो है जाते हैं बूम लिफ्ट से। तो इस तरह से जो है यहाँ पे काम होता है बूम लिफ्ट ऑपरेटर में। जो भी भाई मतलब जाना चाहते हैं वो अपना लाइसेंस वगैरह या जो भी उनका सीवी रिज्यूम है वो अपना रेडी करके रखें। वैकेंसी जैसे ही निकलेगी बूम लिफ्ट ऑपरेटर की, या आप भी अपने स्तर से देखा करो, जो असाइनमेंट अबाउट टाइम का पेपर आता है उसी पेपर में जो है वैकेंसी जो है निकलता है, और उस पेपर में देखकर आप जो है अपना जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। और उस पेपर में सारा कुछ जो है दिया रहता है कि इस ऑफिस में जो है जॉब आया हुआ है, नंबर क्या है, और कितना कितना क्वांटिटी में जो है जॉब आया हुआ है। तो मैं बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे जो है डाला हुआ हूँ। आप जो भी भाई मतलब कि ये सोचते हैं कि यार मैं ये काम करता हूँ उसका सैलरी कितना मिलेगा, तो देखो मैं सैलरी अपना एक अंदाज़ा से बता रहा हूँ, क्योंकि हर फील्ड का सैलरी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि मैं जितना बोल दिया उतना ही मिलेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आपको मिल जाए, हो सकता है उससे कम भी मिले। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा मेरे बताने के हिसाब से कि मैं जितना बता दिया उतना ही मिलेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप मान के चलो कि यूरोप में आप किसी भी काम में आते हो तो आपको भाई सैलरी गल्फ कंट्री से सैलरी अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।